उत्तराखंड के हल्द्वानी जेल में कैदी की जमकर पिटाई का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार जेल में तैनात बंदी रक्षक और एक कैदी ने मामूली बात पर जमकर पिटाई कर दी, जिसमें पीड़ित कैदी का हाथ और पैर टूट गया। घायल कैदी को हल्द्वानी के बेस अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल कैदी का इलाज कर उसकी मरहम पट्टी की और कैदी के हाथ पैरों में प्लास्टर चढ़ा दिया। अस्पताल की बदहाली का आलम यह था कि कैदी को डॉक्टर तक ले जाने के लिए अस्पताल में स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाया, जिसके चलते घायल कैदी को ठेली पर बैठाकर अस्पताल तक ले जाया गया। वहीं कैदी का कहना है कि उसकी पिटाई जेल में तैनात बंदी रक्षक पवन और एक अन्य कैदी ने की, जिसमें उसके हाथ और पैर की हड्डी टूट गई और अस्पताल में उसका इलाज कराया गया। उसे वापस जेल भेजा जा रहा है। पवन सिपाही है, पवन गोस्वामी। अच्छा, क्या किया आपके साथ? अंदर बंद थे, जेलर साहब ने, अधीक्षक साहब ने मना करा, उन्होंने निकाल के बाद में मारा। अच्छा, क्यों मारा? बस ऐसी कोई उनकी खुन्नस होगी, अपनी रंजिश होगी। मारने वाले कौन कौन लोग हैं? वो एक सिपाही है, जेल बंदी रक्षक है, पवन गोस्वामी। अच्छा, और बस आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू मसी है, सन ऑफ भूरेलाल। अच्छा, किस किस अपराध में सजा काट रहे हैं? 328, 379, 411। कितने समय हो गए? 20 महीने। वहीं कैदी की पिटाई के मामले में हल्द्वानी जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य का कहना है कि जेल के अंदर कुछ कैदियों की आपस में लड़ाई हो गई, जिसमें जेल प्रबंधन को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें कैदी को चोट लग गई और उसके हाथ और पैर की हड्डी टूट गई। ऐसे उसको चोट लग गई सर जी? कुछ दिनों पूर्व कुछ बंदी लोग आपस में झगड़ गए थे, जेल में अव्यवस्था फैल गई थी और अराजकता का माहौल बनाने का इन कुछ बंदियों ने प्रयास किया था। उस अराजकता और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था, जिसमें कुछ बंदियों को भी चोटें आई, कुछ बंदी रक्षकों को भी चोटें आई। तो आगे इस तरह की किस तरह से निर्देश दिए गए? जेल में व्यवस्था अनुशासन बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश कभी कभार इस तरीके की घटनाएं हो जाती है और अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा आगे भी, ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस मामले में अधीक्षक का कहना है कि अक्सर जेल के अंदर कैदियों द्वारा अनुशासनहीनता की जाती है, जिसके लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। भविष्य में इस तरह घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।